नमस्कार, मैं हेमंत तोसावत। देखिए आज क्या है, कई क्लिपें आ रही है यूक्रेन से आ रही है, जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का जिस तरीके से युद्ध छिड़ गया है और जो युद्ध है वो विश्व वर्ल्ड वार के कगार पर चला गया है। और धीरे धीरे जो है हमारे जो भारतीय छात्र जो विदेशों में है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि फंसे हुए हैं, कारण ये है कि अभी कई क्लिपें आई है जो वो भारतीय को ये कहा है कि आप हमें यहाँ से निकालिए, आपकी जिम्मेदारी होती है, आपका दायित्व है कि आप हमें यहाँ से बचाकर निकालिए। चलिए ठीक है भाई, भारतीय है, जिम्मेदारी है, दायित्व है, मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब बचाकर जब उन्हें बस के अंदर लेके आया जाता है और जब वो भारत आते हैं तो कुछ ग्रुप जो है वो इस तरीके का मजाक उड़ाते हैं कि सरकार मुझे बचा लीजिए, मतलब आप में मैं अपने जो ये लिंक है वो मैं नीचे दे दूंगा आपको, तो आप देख लेना किस तरीके से भारतीयों का मजाक उड़ाया जाता है, किस तरह से भारतवर्ष का मजाक उड़ाया जाता है, किस तरीके से वो नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं कि यही छात्र जो वहां पर अय्याशी करने जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। और एक छात्र ने तो यही कहा कि हम वहां पर डॉक्टर बनेंगे तो आपके लिए ही तो बनेंगे, मतलब हमारे ऊपर वो एहसान कर रहे हैं, या कुछ बन के आएंगे तो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, भारत के ऊपर एहसान कर रहे हैं। सब अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, देखिए सब अपना अपना काम करते हैं, भले वो डॉक्टर बने, वकील बने, बिजनेसमैन बने, सब अपना अपना काम करते हैं, कौन का भारत को क्या दे देता है। आज एक छात्र ने ये कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है और भारत की जो फ्लाइट की रेट है बहुत अनाप शनाप है, हम कहाँ से देंगे। तो भैया एक बात बताइए कि इस भारत का जिम्मेदारी लेके रखा है। आज भारतीय गवर्नमेंट जिस तरीके से फ्री में लेके आ रही है, उनको फ्री में सब कुछ दे रही है, खाना पीना वो आना जाने का सब भाड़ा दे रही है, जो लाखों रुपया एक एक छात्रों पर लग रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि टैक्स हम लोग पे करते हैं, यहाँ बैठ के इंडिया में बैठ कर टैक्स हमारा पे होता है, सारा पैसा एक एक हमारा होता है। और ऐसे बदचलन और बेहुदा लोगों के लिए जो भारत का मजाक उड़ा रहे हैं विदेशों में बैठकर, एक आपदा आई, देखिए एक चीज होती है सुनामी होती है, अगर सुनामी आती है तो क्या होता है कि समझ लीजिए सब कुछ बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, या अर्थक्विक माने भूकंप आता है तो समझ लीजिए सब कुछ खत्म होता है, मान लिया। लेकिन वहां पर तो अर्थक्विक आया नहीं था, सुनामी आई नहीं थी, एक हमला हुआ है, एक आक्रमण हुआ है एक विदेश से, तो वो पैसा गया कहाँ, जिस पैसे से वो फ्लाइट का भाड़ा नहीं दे सकते हैं और ट्रेन का भाड़ा नहीं दे सकते, वहां की मेट्रो का भाड़ा गिना रहे हैं वो लोग, ट्रेन का भाड़ा गिना रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं फ्लाइट का भाड़ा अनाप शनाप हो गया है वो गिना रहे हैं, भारत गवर्नमेंट को कोस रहे हैं और भारतीय गवर्नमेंट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो उन लोगों की वजह से भारत जो है पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है। तो वो विद्यार्थी की जिम्मेदारी क्यों ले भारत, किस लिए ले, हम भी भारत में बैठे हुए हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग जो है सब टैक्स पे करते हैं भारत के अंदर बैठकर, और हम लोग ये अब हम लोग ये चाहते हैं कि उन लोग को अगर आना है तो अपने पैसे से आए, अगर ऐसे आपदा आती है तो अपने पैसे से आए, हम लोग उसके साथ खड़े नहीं है। क्योंकि जो भारत का मजाक उड़ाए, देखिए आने के लिए अगर भारत का मजाक, एक तरफ भारत से दुहाई भी करेंगे ऊपर से मजाक भी उड़ाएंगे भारत का, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अगर सब वहां पर सुनामी तो आई नहीं और जितने भी लोग गए हैं सब पैसे वाले गए हैं, सब पैसे वाले गए हैं भाई, जब पैसे वाले गए हैं मिडिल क्लास भी मान लेते हैं, चलिए विदेश में पढ़ने के लिए गए हैं, तो भाई पढ़ने गए हैं तो उन्हें पता नहीं है कि आवागमन का, फ्लाइट का खर्चा, रहने का क्या, गवर्नमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट पे करेगी उसका पैसा खर्चा क्या है, आना जाना वगैरह ये सब चीज का पैसा गवर्नमेंट पे करेगी, गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेती है कि भाई तुम जाओ हम तुम पर पैसा खर्चा करेंगे, गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई दायित्व नहीं है। सबसे पहली बात तो कान खोल के सुन लीजिए कि भाई अगर आप जा रहे हैं तो अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, कल को आप डॉक्टर वकील बनते हैं तो कोई हराम में यहाँ पर इलाज नहीं करेंगे, उल्टा अनाप शनाप पैसा लेंगे, बड़ी डिग्री बताएंगे कि हम विदेश से पढ़ के आए तो हमारी रेट भी ज्यादा है, और ज्यादातर जो डॉक्टर विदेश में पढ़ते हैं या पढ़ लिख लेते हैं तो वो विदेश में ही शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं ज्यादा पैसा कमाते हैं, सिर्फ और सिर्फ धंधा और पैसा कमाने के लिए वो लोग विदेश में रहते हैं। भारत में भी एक से एक कॉलेज हैं, एक से एक यूनिवर्सिटी है, एक से एक पढ़ाई की, मतलब वो आप साइंस में ले लो, आर्ट्स में ले लो या फिर कॉमर्स में ले लो, एक से एक विद्वान निकल कर पैदा होते हैं जो भारत के लिए ही कार्य करते हैं, उसकी मदद करना चाहिए, ना कि उन लोग की मदद करना चाहिए जो विदेश में जाकर विदेश में ही धंधा करते हैं, अपना परिवार पालते हैं और वहीं रह जाते हैं, तो उससे भारत को कोई भी तरह का लाभ नहीं है, किसी भी तरह का लाभ नहीं है। और जो थोड़ा बहुत अगर आ भी जाता है तो उससे भारत की कोई अर्थव्यवस्था जो है बहुत ऊपर नहीं होती, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है भारत के बलबूते पर होते हैं, जो यहाँ पर बैठे इंडियन है उसकी वजह से होते हैं, उन लोग की वजह से नहीं होते हैं।
मैं अपने कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक भेज दूंगा, तो आप खोल कर देख लेना किस तरीके से भारतीयों को और यही स्टूडेंट जो है मौज मस्ती एस अय्याशी करने वहां जाते हैं, और वेश्यागिरी का भी धंधा भयंकर होता है वहां पर, वो अच्छी तरह आप जानते हैं, डिस्को वगैरह थेप वगैरह सब में मिल जाएंगे वहां पर, लेकिन भारत का ही मजाक उड़ाए ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख लेना किस तरीके से, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक भेज दूंगा, आप देख लेना किस तरीके से भारतीयों का मजाक, भारतवर्ष का मजाक उड़ाया है उन्होंने और गंदा काम किया है। मैं भारतीय सरकार से चाहूंगा कि ऐसे स्टूडेंट के ऊपर एक्शन ले, और जो माँ बाप यहाँ पर बैठे हैं जिस स्टूडेंट के, वो अपने माँ बाप जो है वो अपने वो उस क्लिप को खोल कर देख ले कि आपके औलाद वहाँ पर क्या कर रही है, और पढ़ाई के नाम पर जो धंधा और धांधली और अय्याशी चल रही है और धंधाबाज चल रहा है वहाँ पर, वो भी खोल कर देख ले। मैं इसी के साथ हेमंत तोसावर लास्ट बार बोलना चाहूंगा कि भारतीय गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए, और इसका हमारा विरोध रहेगा और जमकर विरोध रहेगा। कि सुनामी वाली बात बताया मैं, सुनामी में तो सब खत्म हो जाता है, मगर वहां पर एटीएम चालू था, पैसा ले सकते थे, क्या उसके माँ बाप कोई चीज, उसके पूरे परिवार खानदान या उसके धन संपत्ति तो वहां पर खत्म नहीं हुई, उसके माँ बाप तो यहाँ बैठे इंडिया में, भाई इंडिया में पेमेंट कर दे, अगर आपको फ्लाइट से आना है तो इंडिया में पेमेंट करें। कोई ऐसा तो नहीं हुआ सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, आप कंगाल हो गए, आपका घर परिवार लूट गया, या ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, इंडिया में पेमेंट करें, हर चीज का पेमेंट करें, हराम में आने जाने की क्या बात है, कोई ठेका लेके रखा है क्या, बिल्कुल नहीं। मैं इसी के साथ हेमंत तोसावर और कॉमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लें।